दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे कंपनी के बारे में जिसका शुरुआत तो सिर्फ एक ट्रक से हुआ था, लेकिन आज वो कंपनी रोजाना 2000 से ज्यादा ट्रक लोड करता है। इस कंपनी के साथ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 1,00,000 से ज्यादा ट्रक जुड़े हुए हैं और इस कंपनी का सालाना टर्नओवर 2800 करोड़ से ज्यादा है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं डार्सल लॉजिस्टिक का, जिसे आज हम सीजे डार्सल लॉजिस्टिक के नाम से जानते हैं। इस वीडियो को बनाने के लिए हमें सजेस्ट किया था हमारे एक सब्सक्राइबर वीडियो वाले ने, तो आप भी अपना सजेशन कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो इससे पहले कि इस वीडियो में आगे बढ़े, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो बढ़ते हैं आगे। दोस्तों 1975 में कृष्ण कुमार अग्रवाल ने सिर्फ एक ट्रक खरीदा और उसे असम और दिल्ली रूट में चलाना शुरू किया, और 1975 से 1980 तक यानी कि पूरे 5 साल सिर्फ उन्होंने दिल्ली असम रूट पर ही फोकस किया, और इसी बीच उन्होंने अपना 5-6 ब्रांच अपने ट्रांसपोर्ट के नाम से खोले। दोस्तों जब भी किसी छोटा बिजनेस या स्टार्टअप का शुरुआत होता है, उसका जो मेन चैलेंज ये होता है कि उसके ऑर्डर में कंटिन्यूटी रहे, यानी कि उसे बराबर ऑर्डर मिलते रहे और उसके रिवेन्यू में कुछ सर्टेनिटी आ पाए। जब कृष्ण कुमार अग्रवाल का बिजनेस इसी दौर से गुजर रहा था, तो उन्हें एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मिला। उन्हें असम ऑयल कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट मिला उनके पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को डिलीवर करने के लिए। आपको बता दें कि असम ऑयल कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का ही हिस्सा है। इस कंपनी से जुड़ने के बाद कृष्ण कुमार अग्रवाल का बिजनेस एक नए मुकाम पर पहुंच गया, क्योंकि यहां से उन्हें एक फिक्स ऑर्डर मिलने लगा, जहां से एक फिक्स रिवेन्यू भी जनरेट होने लगा, जिससे उनका बिजनेस तेजी से आगे बढ़ने लगा। असम ऑयल कंपनी के साथ काम करने के बाद और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के डिलीवरी में एक्सपर्ट होने के बाद कृष्ण कुमार अग्रवाल ने सोचा कि क्यों ना अपने बिजनेस को और भी सेक्टर में बढ़ाया जाए और भी दूसरे सेक्टर को ग्रैब किया जाए, जैसे FMCG, आयरन और स्टील। इसीलिए अपने बिजनेस के फ्यूचर को देखते हुए उन्होंने डार्सल लॉजिस्टिक के नाम से अपना कंपनी रजिस्टर करवाया, और 1990 आते आते जिंदल ग्रुप, बिरला ग्रुप, IPCL, रिलायंस ग्रुप जैसे इनके कस्टमर बन गए, और पहली बार डार्सल लॉजिस्टिक का टर्नओवर 2001 में 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर गया। 2005 तक डार्सल लॉजिस्टिक के पूरे देश में 100 से ज्यादा ब्रांच खुल चुके थे। 2006 में डार्सल लॉजिस्टिक ने मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम लेकर आया, जिसके तहत कंपनी का ये मकसद था कि वो अलग अलग सेक्टर में ऑपरेट करे और अलग अलग मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का सर्विस दे। 2006 में डार्सल ने ट्रेन कंटेनर भी ऑपरेट करना शुरू कर दिया, और अपने मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट बिजनेस के कारण 2008 में कंपनी ने 1000 करोड़ का रिवेन्यू जनरेट किया, और ये आंकड़ा 2012 में 1500 करोड़ तक पहुंच गया। 2017 में डार्सल लॉजिस्टिक ने साउथ कोरिया की सबसे बड़ी डिलीवरी कंपनी सीजे लॉजिस्टिक से पार्टनरशिप किया और 101 मिलियन के वैल्यूएशन पर अपने 50% शेयर बेच दिए, और इसी पार्टनरशिप के बाद डार्सल लॉजिस्टिक का नाम बदल करके सीजे डार्सल लॉजिस्टिक कर दिया गया। आज कंपनी के पास पूरे देश में 200 से ज्यादा ब्रांच है, 2000 से ज्यादा कॉर्पोरेट कस्टमर है, जिसमें की इंडिया के बड़ी बड़ी कंपनियां शामिल है, जैसे की टाटा, जिंदल, रिलायंस, और इस कंपनी से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 1,00,000 से ज्यादा ट्रक जुड़े हुए हैं, और ये कंपनी रोजाना 2000 से ज्यादा ट्रक लोड करता है। इसीलिए कंपनी फुल ट्रक लोड में इंडिया का नंबर 1 कंपनी है। आज ये कंपनी अपने विस्तार करके बहुत सारे सेक्टर में काम कर रहा है, जैसे कि FMCG, मिनरल्स एंड ओर, पेट्रोलियम, इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन, एग्री प्रोडक्ट, ऑटो इंडस्ट्री, और इसके साथ साथ अपने मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम से अलग अलग मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन भी प्रोवाइड करता है, जैसे कि रेल कंटेनर सर्विस, प्रोजेक्ट कार्गो, फ्राइट फॉरवर्डिंग, हेवी कार्गो मूवमेंट, वेयर हाउस फैसिलिटी, थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक। इन सारी सर्विसेज के साथ इंडिया का वन ऑफ द लीडिंग ट्रांसपोर्ट कंपनी है, और आज इसका सालाना टर्नओवर 2800 करोड़ से ज्यादा हो चुका है। तो बस आज के लिए इतना ही, कुछ सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और कमाते रहिए।